बहुत अच्छा है, एंटरटेनमेंट है, पेरेंट्स का टर्नआउट बहुत अच्छा है, बच्चे भाग रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये भी क्लासरूम ही है जहाँ पर बच्चे रियल लाइफ स्किल्स सीख रहे हैं। बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन है इसके अंदर। जो जीत रहे हैं वो खुश हैं और जो नहीं जीत रहे हैं वो भी बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। तलबा को खेलों और उनके उसूलों से आगाही के लिए हैदराबाद में स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया। फाउंडेशन पब्लिक स्कूल के जेर एहतमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड लतीफाबाद में सालाना स्पोर्ट्स गाला की तकरीब मुनक्कीद की गयी, जिसमे तलबा और तालबात ने एथलेटिक्स के 70 से ज्यादा खेलों में हिस्सा लिया। स्कूल का स्पोर्ट्स में तो बहुत मज़ा आता है, ये हर साल ही होता है इवेंट ना स्पोर्ट्स का, और इससे क्या होता है कि हम पेरेंट्स को भी इनवाइट किया जाता है और इससे बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलती है, सपोर्ट मिलती है कि पेरेंट्स आए उनको चेयर अप कर रहे हैं। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इनकी एक्सरसाइज भी हो रही है ना, स्पोर्ट्स में ये होता है कि बच्चे एक्टिव होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनके दिल में होता है कि भाई हमें विन करना है, और जो बच्चे विन करते हैं वो उनका ज़्यादा वो होता है, जो बच्चे हार गए वो अगले साल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। आई थिंक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, स्पोर्ट्स डे की जो इम्पोर्टेंस है उसको इनकल्केट किया गया है, एवरी 100% पार्टिसिपेशन है, एवरी स्टूडेंट इज एंगेज। फाउंडेशन पब्लिक स्कूल कैंट कैंपस की डायरेक्टर इरम जाफरी और आटोबान ब्रांच की प्रिंसिपल हिना कफील का कहना था कि तकरीब का मकसद बच्चों को सिर्फ खेल में शामिल करना नहीं बल्कि खेलों के उसूलों से भी आगाही देना था। ग्राउंड में लेकर आए हैं एक प्रोफेशनल ग्राउंड में जहाँ ये ट्रैक्स पे रनिंग रेसिंग और उसके सारे स्पोर्ट्स के जो रूल्स रेगुलेशन है वो सीख रहे हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशन है, एक होलिस्टिक एजुकेशन के लिए जितना एम्फोसिस पढ़ाई पे उतना ही स्पोर्ट्स पे भी है। हमारे पास आज 75 ट्रैक इवेंट्स हैं जिसमें मुख्तलिफ रेसेस हैं, नोवेल्टी रेसेस हैं, शिफ्ट द कोन, ड्रैग द कोन, थ्री लेगेड, बैलेंस द बीन बैग। इन रेसेस से बच्चों को बैलेंस करना, कोलैबोरेशन में काम करना, टीम के तौर पे काम करना सिखाया जाता है। तकरीब के दौरान तलबा और तालबात ने फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। ये जो एक्टिविटीज है वो तमाम रेसेस जो हमने डिजाइन किए वो अकॉर्डिंग टू बच्चों की सेहत के हवाले से, बच्चों को आजकल आपको पता है कि गैजेट्स के अंदर बहुत मशरूफ होते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग द ग्राउंड कि वो यहाँ पर आ रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस मौके पर सीनियर स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर मुराद हुसैन, ताइक्वांडो कोच शहजाद अहमद, स्पोर्ट्स टीचर कामिल राव, वसीम इकबाल राजपूत समेत दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे। रेहान गनी, पासवान न्यूज़, हैदराबाद।